बारकोड का इवोल्यूशन जो आपको किसी ने नहीं बताया। आज QR कोड की मदद से हम देख सकते हैं हमें पैसा किसको पे करना है और रिसीव कौन करेगा। हम सब आज के दिन QR कोड का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। इंडिया QR कोड स्कैनिंग में दुनिया में सेकेंड नंबर पर आता है। जैसे इस इंसान की इन्वेंशन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बात है 1949 की। एक आदमी जिसका नाम था जोसेफ वुडलैंड, वो मायामी बीच पे बैठा कुछ सोच रहा था, कुछ बना रहा था रेत पर। जोसेफ वुडलैंड एक जीनियस था जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम कर चुका था। जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट नहीं पता, मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जिससे दुनिया में पहला एटम बॉम्ब बनाया गया था। वॉर के बाद उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की ड्रेक्सल एंड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से। ड्रेक्सल में उन्हें पता चला कि एक स्टोर को फास्ट वे ऑफ इन्वेंटरी चेकआउट प्रोडक्ट सिस्टम की नीड है। तो वुडलैंड ने सोचा कि वो ये कर सकते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के घर मायामी बीच गए इस आइडिया पर काम करने के लिए। उनका आइडिया था कि मशीन रीडेबल लेबल जो कि हर प्रोडक्ट पे लगाया जाएगा पूरे स्टोर में, पर एक ऐसा कोड जिसे वो इजीली टाइप कर सके और उसे मशीन रीड कर सके। वो यही सोच रहे थे बीच पर बैठे बैठे और वो कुछ डिजाइन और ड्रॉ कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो एक ऐसा कोड जानते हैं जो था कि मॉर्स कोड, जो कि एक तरीके का टेलीकम्युनिकेशन करने का तरीका था एनकोडिंग एंड डिकोडिंग करके, जिसे हम सीक्रेट और एनक्रिप्ट मैसेज भी कहते हैं। वो बीच पर बैठे बैठे कुछ लाइंस एंड डॉट्स ड्रॉ करने लगे। पर बारकोड पहले ऐसा नहीं दिखता था। पहले बारकोड एक बुलसाई शेप का था क्योंकि मॉर्स कोड की जो डॉटेड लाइंस थी उसे कोई भी डायरेक्शन में स्कैन नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि इसे एक सर्कल आकार दिया जाए जिसे कि इसे हर डायरेक्शन में स्कैन कर सके। वुडलैंड ने इस आइडिया को अपने क्लासमेट बॉब सिल्वर को बताया और इसके बाद दोनों ने इसका पेटेंट करवाया और इस पर काम चालू कर दिया। उन्होंने काफी प्रोटोटाइप डेवलप किए पर वो नहीं चल सके क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था और उस टाइम पे इसके पर्टिकुलर कंपोनेंट मिलना बहुत मुश्किल था। उन्हें लाइट स्कैनर में काफी प्रॉब्लम आई। उन्हें ब्राइट इनफ लाइट नहीं मिल रही थी कि वो कोड स्कैन कर सके और इन्हीं सब कारणों की वजह से बारकोड प्रोजेक्ट की रफ्तार स्लो पड़ गई। पर टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ये देखकर चेन क्रूगर ने एक और ट्राई किया इस बारकोड एफर्ट में और 1967 में इन्हें अप्रोच किया RCA को। RCA रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका जो उस टाइम पे लीडिंग कंपनीज थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए अपने RCA की रिसर्च टीम और साइंटिस्ट टीम को तुरंत काम पे लगा दिया और उनकी रिसर्च टीम को मिला जोसेफ वुडलैंड और बॉब सिल्वर का पेटेंट, जो कि उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ चेंजेस करके इसे परफेक्ट बनाया जा सकता है और उन्होंने वो कर दिया। RCA ने एक बुलसाई शेप का बारकोड बनाकर तैयार कर दिया और वो इसे टेस्ट करने के लिए तैयार थे इन क्रूगर स्टोर्स। इन July 3, 1972 उन्होंने ये सिस्टम टेस्ट किया इन वन ऑफ द सिंसिनाटी स्टोर्स और ये एक सक्सेस रहा। सिस्टम ने अच्छे से काम किया और सिंसिनाटी स्टोर्स की सेल बढ़ा दी और स्टोर को प्रॉफिट हुआ। बारकोड की सक्सेस के बाद इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर साथ आकर एक कमिटी फॉर्म किए, कमिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड, एक यूनिफॉर्म लेबल ऑल ऑन स्टोर्स। तभी पिक्चर आया जॉर्ज लॉरर, इंजीनियर ऑफ IBM। उन्होंने बारकोड के स्ट्रक्चर को लेकर एक आइडिया आया, वर्टिकल लाइंस जो कि इजीली प्रिंट हो सकती है और वो मोर डिटेल कंटेन कर सकती है। IBM ने इस आइडिया को ग्रोसरी स्टोर को पिच किया और फाइनली IBM के वर्टिकल बारकोड ने जगह ले ली RCA के बुलजाय बारकोड की। दुनिया को उसका पहला मॉडर्न बारकोड मिला इन ओहायो ऑन June 26, 1974 सुबह 8:01 पर इन मार्श सुपरमार्केट, एंड फर्स्ट परचेज था इस मॉडर्न बारकोड के थ्रू एक 67 सेंट का बबल गम। उस समय ग्रोसरी इंडस्ट्री को ये आइडिया भी नहीं था कि बारकोड सिस्टम दुनिया में इतना छा जाएगा। अभी तो बस शुरुआत थी। वॉलमार्ट जो कि 1990 तक US की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन चुकी थी, उन्होंने अपने कंप्लीट लॉजिस्टिक नेटवर्क को बारकोड के अराउंड बिल किया। वॉलमार्ट ने इस कदर बारकोड का यूज किया कि कभी कहां और कैसे हर चीज उनके स्टोर के थ्रू मूव करती है। वॉलमार्ट ने बारकोड को इमेंसली यूज किया कि उन्हें सुपर कंप्यूटर यूज करने पड़े डाटा स्टोर करने के लिए। बारकोड की इस हेल्प से वॉलमार्ट को बहुत फायदा हुआ, जैसे कि उन्होंने कस्टमर की हैबिट लर्न कर ली थी, कस्टमर को क्या चाहिए, वॉलमार्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और इसके स्टॉक्स को कैसे मैनेज करना है। देखते ही देखते बारकोड दुनिया में फैल गया और आज इस टाइम में बारकोड एक एसेंशियल चीज बन चुकी है हमारी लाइफ में।
कि आप सोच सकते हैं कि दुनिया में 6 बिलियन बारकोड स्कैन होते हैं दिन भर में। बारकोड भी दो तरीके होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस वाले जो हमें मॉल में दिखते हैं वो होते हैं 1D बारकोड, और जो 2D बारकोड तो हमने हमेशा देखा है जो पेटीएम में पेमेंट करते टाइम, गूगल पे में और व्हाट्सएप में। 1D बारकोड जो वर्टिकल लाइंस वाले होते हैं वो 12 डिजिट होल्ड कर सकते हैं पर कुछ भी लेटर होल्ड नहीं कर सकते। वही जगह पर 2D बारकोड जो QR कोड भी हम जिसे कहते हैं वो 7000 प्लस डिजिट होल्ड कर सकते हैं और 4000 प्लस लेटर। शॉपिंग पेमेंट से लेकर के सोशल मीडिया तक हम हर जगह QR कोड बारकोड यूज करते हैं। आज दुनिया में बहुत तरीके के बारकोड है, जैसे कि डेटा कैरियर से लेकर के ई पास तक जो कि टोल प्लाजा में यूज करते हैं। आज हम देख सकते हैं बारकोड के एवोल्यूशन को, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आए इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते टाइम, जिससे कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज कर दी। दुनिया में ऐसे एक नहीं हजारों इन्वेंशन है जिसे हमने भुला दिया। जोसेफ वुडलैंड के उस मायामी बीच वाले ड्रॉइंग ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया।